स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 पार्ट 8. चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, रिसोर्सेज इंक्लूड थिंग्स विच डैश ट्रांसफर इनटू यूजेबल मटेरियल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. ऑप्शन आर एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट्स, एयर. राइट ऑप्शन इज ह्यूमन्स. सेकेंड, डैश रिसोर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटिस्फाइंग अवर डे टू डे नीड्स. पोटेंशियल, लोकलाइज्ड, रिन्यूएबल या बायोटिक. राइट आंसर इज बायोटिक. थर्ड, डैश रिसोर्सेज आर ऑल्सो नॉन एज इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग रिसोर्सेज. ऑप्शंस आर इनऑर्गेनिक, यूबिक्यूटियस, ऑर्गेनिक या एबायोटिक. राइट ऑप्शन इज अबायोटिक. फोर्थ, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज विद ए ग्रेट केयर विदाउट वेस्टिंग दैम इज डैश रिसोर्सेज. ऑप्शंस आर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, एग्जॉस्ट. राइट ऑप्शन इज कंजर्वेशन. फिफ्थ, दोज रिसोर्सेज हुज टोटल अवेलेबल क्वांटिटी इज नॉट नोन एट प्रेजेंट आर कॉल्ड डैश रिसोर्सेज. ऑप्शंस आर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पोटेंशियल या एग्जॉस्टेबल. राइट ऑप्शन इज पोटेंशियल. सिक्स, डैश रिसोर्सेज आर फाउंड ओनली इन द सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट, लोकलाइज्ड, यूबिक्यूटियस, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. राइट ऑप्शन इज लोकलाइज्ड. पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर ए, डैश इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स. फिल इन द ब्लैंक्स में आप भरोगे रिसोर्स. सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी assessed both in the term of quality and dash. Last में quantity. Third, all the dash resources have the capacity to reduce, reproduce and regenerate within a period of time. और आप fill in the blanks में भरोगे biotic. Fourth, the quantity of dash resources is not affected by human activities. Fill in the blanks में भरोगे renewable. Fifth, the quality and quantity of dash resources are known to us. Actual resources, actual bharogi. Sixth, dash resources are the resource that can be found only in certain parts of the world. Option number, localized. Part C, write T for true and F for false for the following statements. Number one, a resource is anything that can be used to satisfy human wants. Statement kya hai ye? True hai. Second, all the abiotic resources have the capacity to reproduce and regenerate. Jo abiotic resources hote hain, wo reproduce hote hain, regenerate hote hain, nahi hote hain. Ye false hai. Third, non-renewable resources can be renewed by reproduction. ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है. फोर्थ, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड एट प्रेजेंट बट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर. ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. फिफ्थ, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर नॉन टू अस. ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है. सिक्स्थ, पेपर, ग्लास, टिन एंड आयरन कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. जो पेपर, ग्लास और टिन है ये रिसाइकल नहीं होते, रिसाइकल हो जाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है. पार्ट डी, गिव शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिसोर्सेज. दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 100. ए रिसोर्स इज एनीथिंग दैट इज फाउंड इन नेचर एंड हैज सम वैल्यू और यूज फॉर ह्यूमंस. बेटा, इन आंसर्स के मैं टिक करवा रही हूँ. ये आंसर आपका फर्स्ट आंसर जो शॉर्ट है ये 100 पेज पे है. इसको आपने ए रिसोर्स से लेके फॉर ह्यूमन यूज तक. क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स. शॉर्ट सेकेंड आंसर इज ऑन पेज नंबर 98. पॉइंट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाले हेडिंग में आपने यहाँ से लिखना है. ये शॉर्ट सेकेंड आंसर आपका हो गया. ओके, रिसोर्सेज दैट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू गेट रिप्लेनिश्ड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. आपको ये आंसर यहाँ से लिखना है, रिसोर्सेज से शुरू करना है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तक लिखना है.
ऑन थर्ड क्वेश्चन है आपका, ऑन व्हाट बेसिस अवाइटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड। इस आंसर को आपने ध्यान से देखना है, ऐसे लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन एंड सोर्स सोर्स बायोटिक एंड अवाइटिक रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड। मैं फिर से बता रही हूँ, आपने बेटा ऐसे लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन और सोर्स, फिर यहाँ से अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। आंसर फोर्थ जो है आपका पेज नंबर 99 पे है, यहाँ हेडिंग दिया हुआ है एक्चुअल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज, आपने यहाँ से शुरू करना है, दोस रिसोर्सेज दैट द टोटल क्वांटिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ विच आर एट प्रेजेंट नॉन आर एक्चुअली और डेवलप्ड रिसोर्सेज। ओके, यहाँ से शुरू करना है, दोज रिसोर्सेज से शुरू करना है और डेवलप्ड रिसोर्सेज तक करना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फिफ्थ आंसर इज ऑन पेज नंबर 99, ये हेडिंग है आपका जैसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसी के अंडर है ये, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच ह्यूमन क्रिएट यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। आपको यहाँ से लिखना है ह्यूमन मेड से लेके टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स तक, ये आपका शॉर्ट फिफ्थ आंसर हो गया। क्वेश्चन सिक्स, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आंसर सिक्स इज ऑन पेज नंबर 100, आपको यहाँ से करना है, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली फॉर टूडेज नीड and also conserve them for future generation, it is called sustainable development। ये पेज नंबर 100 पे है, यहाँ से ऊपर से using natural resources से शुरू करना है और sustainable development तक आपको लिखना है। पार्ट ई, गिव लॉन्ग आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बुक में ही टिक करवा दूंगी। फर्स्ट, ऑन व्हाट बेसिस रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड। फर्स्ट लॉन्ग आंसर इज ऑन पेज नंबर 97, आपको यहाँ से लिखना है, नेचुरल रिसोर्सेज कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन देयर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स एज अंडर, नंबर फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और सोर्स, नंबर सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है नेचुरल रिसोर्सेज से और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन तक इसका एंड करना है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डू रिसोर्स इंक्लूड एंड ऑन व्हाट थिंग्स डज द यूज ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड। लॉन्ग आंसर जो आपका सेकंड है, दिस इज आल्सो ऑन पेज नंबर 97, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, रिसोर्सेज इंक्लूड द फॉलोइंग, द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एंड विच ह्यूमन यूज डायरेक्टली एंड सेकेंड द थिंग्स डैट ह्यूमन ट्रांसफॉर्म इंटू यूजेबल मटीरियल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। पहले आपने यहाँ से लेके रिसोर्सेज से लेके देयर नीड्स तक लिखना है और इसी का सेकेंड पार्ट आपने लिखना है यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। उसने ये भी पूछा है कि रिसोर्सेज के यूज़ क्या हैं, तो आपने यहाँ से करना है द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन, सेकेंड पॉइंट है द नॉलेज ऑफ दीज पीपल, थर्ड पॉइंट है द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दिस दोज पीपल प्रोसेसेस। पहले आपने बेटा सेकंड आंसर को यहाँ से रिसोर्सेज से लेके देयर नीड्स तक लिखना है, फिर यहाँ से लिखना है द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज से लेके पीपल और पीपल प्रोसेस। क्वेश्चन थर्ड, डिस्क्राइब रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। आंसर थर्ड इज ऑन पेज नंबर 98, यहाँ लिखा हुआ हैडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड बाय रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे कैन ऑल्सो बी रिन्यूड बाय फिजिकली मैकेनिकली और केमिकली प्रोसेसेस। इसका सेकेंड पॉइंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिखना है, इसमें आपने यहाँ से लिखना है रिसोर्सेज that take thousands of years to get replenished are called non-renewable resources since it takes more than the lifespan of human to replenish these resources they are called non-renewable resources। यहाँ तक लिखना है,
इसमें बेटा देखो मैं फिर से बता रही हूँ, पहला पॉइंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आपने यहाँ से स्टार्ट करके प्रोसेसेस तक लिखना है, और सेकंड पॉइंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आपने यहाँ से स्टार्ट करके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। आंसर 4th इज ऑन पेज नंबर 99, ये आपका हेडिंग है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसी के अंडर आंसर लिखना है आपने। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच ह्यूमन क्रिएट यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल, सच रिसोर्सेज इंक्लूड टेक्निकल एक्सपर्टाइज, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, पोलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस, बिसाइड्स द सोशल एंड द कल्चर सेटअप इन द प्रोसेस नेचुरल सब्सटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, इवन द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू मेक सच प्रोडक्ट्स इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एयरक्राफ्ट्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, रोड, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग आर ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यहाँ तक आपको लिखना है। आपने स्टार्ट करना है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से और यहाँ तक एंड करना है इसका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज तक। क्वेश्चन 5, व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन आंसर 5th इज ऑल्सो ऑन पेज नंबर 99, यहाँ आपका हेडिंग है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज constitute human beings themselves, human beings perhaps are the most important resources, the reason is no gift of nature can be developed as a resource without his doing so, every person has a unique set of skills and knowledge which enable him to contribute towards the society in some way or the others. People take continuous education and training to become useful human resources. Education and training improve quality of people's skill and knowledge. यहाँ knowledge तक लिखना है आपने बेटा, start करना है human resources से और इसको skills and knowledge तक आपने लिखना है इसे। Question 6, how can we conserve resources? Give some ways of conserving them. लॉन्ग आंसर 6th इज ऑन पेज नंबर 100, आपको इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। इट इज़ एसेंशियल टू यूज रिसोर्सेज विद ग्रेट केयर एंड प्रूडेंस एज दे फॉर्म अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, देयर इनडिस्क्रिमिनेट एंड अनसाइंटिफिक यूज विल लेड टू डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लेटर जनरेशंस विल सफर फ्रॉम एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। इसका दूसरा पार्ट आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। वी कैन यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ 3 R's टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल। 3 R स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इसमें आपने रिड्यूस का पूरा पॉइंट लिखना है, रीयूज का पूरा पॉइंट यहाँ तक कंप्लीट करना है डोरमेट तक, और रिसाइकिल का भी पूरा पॉइंट यहाँ तक डिस्कार्डेड आइटम्स तक कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स मैं फिर से बता रही हूँ, 6th लॉन्ग आंसर को आपने पहले इट इज़ एसेंशियल से स्टार्ट करना है और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज तक करना है, और दूसरे पार्ट में आपने वी कैन से स्टार्ट करके इसको एंड डिस्कार्डेड आइटम्स तक लिखना है। योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 इन ज्योग्राफी नोटबुक। थैंक यू।